अच्छा बहुत बढ़िया अंकल जी बनाते हैं, सिर्फ 5 रुपए में बहुत अच्छा समोसा है, क्या बताओ टेस्ट में। पनीर उनीर साथ में मटर पनीर भी डाल के उसमें बनाते हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए 5 रुपए में। ठग्गू के लड्डू ऐसा कोई सगा नहीं जो आगे दिल्ली के अंदर। यहाँ पर अंकल जी बैठ के बड़े ही अलग स्टाइल से बना रहे हैं समोसे। चलिए अंकल जी से थोड़ा बात करते हैं और अंकल जी से थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम शुक्र रहमान है। अच्छा क्या बना रहे हो अंकल जी आप? मैं समोसा बना रहा हूँ तिरंगा। अच्छा तिरंगे वाला समोसा, अभी अभी जैसे भारत का तिरंगा वो समोसा है मेरा। अच्छा क्या खासियत है अंकल आपके समोसे की? मेरे समोसे की खासियत ये 5 रुपए में पनीर है। अच्छा 5 रुपए में पनीर है, 5 रुपए का पनीर का समोसा, मटर है, आलू है, हिंदुस्तान का तिरंगा बना रखा है मैंने डीएलएफ के अंदर। तो क्या लगता है अंकल आपको 5 रुपए का समोसा बेच रहे हो आप, बचता होगा इसमें कुछ आपको? बस दाल रोटी चल जाती है, प्रभु की दया। अच्छा दाल रोटी चल जाती है। अच्छा अभी आप देख सकते हो अंकल जी का एक छोटा सा सेटअप है, बड़े ही प्यारा सा लग रहा है। और ये नीचे आप देख सकते हो ये टीन से बना हुआ है एकदम। और इसके अंदर क्या डाल रखा है अंकल आपने? इसके अंदर गैस है। अच्छा गैस है, छोटा सा गैस है। अच्छा अच्छा सिर्फ इसके अंदर 1 लीटर गैस डलवाते हैं। अच्छा अच्छा तो ये समोसा बेचने का आइडिया कहाँ से आया अंकल आपके पास? सर मेरा काम जो है बचपन का है, कभी मैंने ये काम बचपन में 12 साल की उम्र थी जब किया था। गरीबी की हालत जब भी थी, गरीबी की हालत अब भी है। अच्छा अच्छा के सर्विस करता था। अच्छा तक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस में मेरा वहाँ सैलरी रुक रहा है तकरीबन 9 महीने की। 9 महीने से? हाँ 9 महीने की सैलरी रुक रही है। अच्छा अच्छा और काम करने वाले हम 90 आदमी थे, 90 आदमी से इस टाइम 3 आदमी वहाँ काम कर रहे हैं प्रेस में। अच्छा बाकी ने छोड़ दिया? हाँ बाकी ने छोड़ दिया, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ रोहतक। अच्छा प्रतिभा सुमन। अच्छा अच्छा उसकी हम कहा इस टाइम प्रतिभा सुमन जो है महिला अध्यक्ष बनी है रोहतक की। ओके उनकी हमारी सैलरी रुक रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस समोसे यहाँ पर बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये अंकल जी कितना समय लगेगा अभी और इसमें? बस तैयार है समोसा। अच्छा समोसा तैयार है। और कितने तरीके के समोसे बनाते हो आप? मैं 7 बेल की चटनी बनाता हूँ। अच्छा 7 बेल की। और 6 प्रकार का समोसा बनाता हूँ। 6 प्रकार का समोसा और 7 तरीके में अलग बनता है मेरा समोसा। अच्छा अच्छा और स्टफिंग इसके अंदर नॉर्मली जो आलू की होती है वही है? हाँ वही। अच्छा अच्छा देख सकते हो समोसा एकदम लाल लाल हो चुका है और निकलने के लिए तैयार हो रहा है बिल्कुल। बिल्कुल बंद, बिल्कुल बिल्कुल 5 रुपए में आता क्या आजकल? कुछ नहीं आता, फिर भी मैं आपको 5 रुपए में समोसा दे रहा हूँ जिसमें टेस्ट से भरपूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी ये नहीं कहेगा ठग लिया, ये वो नहीं है हैदराबाद के लड्डू या ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा। अरे वाह वाह। तो ऐसा समोसा नहीं बेचता मैं, आदमी खाने के बाद ठग लिया, आदमी का दिल खुश होके जाता है भाई अंकल बढ़िया चीज दी है आपने, मन खुश हो गया, मन को शांति मिली। तो हालांकि अंकल बोली बोली काम ऐसा करो जो दूसरे को भी शांति मिले खुद को भी शांति मिले। हालांकि अंकल समोसा ही नहीं खिलाते बल्कि यहाँ पर काफी सारी बातों से अपने और आकर्षित भी करते हैं लोग। तो गाइस समोसा बनके यहाँ पर तैयार हो चुका है, अब क्या लगाइए अंकल यहाँ पर 2 प्लेट हमारे लिए। कैसी खाएंगे? जो आपकी मर्जी। देखो कल थी मेरे पास 3 रंग की चटनी। अच्छा और आज कितने रंग की? का तिरंगा। अच्छा अच्छा इसी तरह से प्रकार की बनाता हूँ। अच्छा मतलब तिरंगे का पूरा कलर रखा? आज नहीं आज सिर्फ 2 कलर है। अच्छा ग्रीन के लिए बीजेपी का कलर है, बीजेपी का कलर ग्रीन है। ये जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन चटनी, ये रेड है जैसे कि आप देख सकते हो गाइस। मेरी खुद की बनाई भी है। अच्छा देखो गिर रहा है इधर। अच्छा ये खुद बनाई है आपने घर में? हाँ, ये खुद बनाता है। तो अंकल जी एक और प्लेट लगाइए, इसको साइड में रखिए थोड़ा। नहीं नहीं चलिए स्टार्ट करिए। ये डीएलएफ का मशहूर समोसा है। अच्छा है समोसा, इसका नाम रखा है डीएलएफ का मशहूर समोसा। डीएलएफ ताज समोसा, हर समय ताजा। अच्छा जी मतलब ताजा यानी कि फ्राई हाथ के हाथ एंड टू एंड, खाओ ताजा और रहो ताजा। रहो ताजा, नहाओ ताजा। तो अंकल जी जैसे कि आप गाइस देख सकते हो समोसा बनके तैयार हो चुका है। अंकल जी एक समोसा आप हमारी तरफ से खाइए, इसके पैसे हम देंगे आपको, ठीक है? और ये एक समोसा मैं आपको खा के टेस्ट बताता हूँ। मैं इस समोसे में अपने दिलो जान से मेहनत करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ ग्राहक तक बिल्कुल मेरी चीज सही पहुँचे और खाने वालों को टेस्ट आए। अगर एक भी दुआ लग गई तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा। नॉर्मल समोसे से काफ़ी ज़्यादा ठीक है, अंदर की जो थिकनेस है वो भी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके और काफ़ी मेहनत के साथ अंकल जी यहाँ पर समोसा भेजते हैं। यहाँ पर एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। गाज़ियाबाद UP DLF।